Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be discussing a novel that is Mrs. Dalloway, written by Virginia Woolf. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is Virginia Woolf. So Virginia Woolf was a prominent English writer and a key figure in the modernist literary movement of the early 20th century. तो वर्जीनिया वुल्फ प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर थी, यानी फेमस इंग्लिश राइटर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर थी इन द मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. एंड शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल्स, एसेज एंड हर इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक्स विच ओफन एक्सप्लोर द इनर थाट्स एंड एक्सपीरियंसिस ऑफ हर कैरेक्टर्स. तो देखो, ये ज़्यादातर अपने नॉवेल्स और एसेज के लिए जानी जाती है, जिस तरीके से जो इनकी अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स, और जो भी ये सुनाती हैं नैरेटिव जो भी इनकी नई नई होती हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से ये ज़्यादा जानी जाती हैं, जो कि जो कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स होते हैं और उनके एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में बताते हैं. एंड सम ऑफ हर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड Mrs. Dalloway, which was published in 1925, To the Lighthouse, which was published in 1927, and The Waves, which was published in 1931, and so on. यानी ज़्यादातर जो भी इनके notable works हैं उनमें ये तीनों माने जाते हैं, और इन तीनों में से आज हम एक जो है Mrs. Dalloway उसको discuss करने वाले हैं. And her writings often reflects her views on feminism, mental health and nature of the time and consciousness. और इनकी writings जो हैं वो ज़्यादातर क्या चीज़ दिखाती हैं, feminism, mental health and the nature of time, यानी जो time है उसका महत्व, उसके बारे में, और consciousness. And she was born on 25th January 1882 and died on 28th March 1941. तो इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी को 1882 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 मार्च 1941 को. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑथर. अब हम आगे चलते हैं, इस पूरी नॉवल के बारे में जानते हैं, ठीक है. लेट्स सी द इंट्रोडक्शन टू दी नॉवल. मिसेस Dalloway, दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1925 ऑन 14th मे. And this novel follows Clarissa Dalloway as she prepares for a party, interweaving her thoughts with the experiences of others, particularly a war veteran named Septimus Warren Smith. तो इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर है इस नॉवल में, मिसेस Dalloway, और इनका पूरा नाम है मिसेस Clarissa Dalloway, तो ये इस पूरे नॉवल में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करती हैं, और इस पार्टी की तैयारी के वक्त इनके दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल चल रहे होते हैं, और स्पेशली एक वार वेटरन के बारे में, यानी एक आदमी है जो कि अनुभवी है, ठीक है, यानी वो हम कह सकते हैं एक तरीके से एक सोल्जर है, जिसका नाम है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ठीक है. एंड इट इज़ रिनाउंड फॉर इट्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टाइल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम. और इसमें हम मेनली देखेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया गया है. अब ये क्या होता है, देखो, दिस इज़ अ राइटिंग स्टाइल दैट ट्राइज टू कैप्चर द फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ पर्सन्स माइंड. इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ स्टोरी इन द स्ट्रेट लाइन, इट प्रेजेंट्स थॉट्स एज दे कम, ओफन जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, जस्ट लाइक हाउ आवर माइंड वर्क्स. तो देखो, ये एक तरीके का राइटिंग स्टाइल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी एक इंसान है जो कि एक टाइम पे काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में सोचते हैं. और ये इंसान कौन है इस नॉवल में, मिसेस Dalloway, जिसको कि अपने पार्टी के लिए तैयारी करनी है, वो अपने पार्टी के लिए प्रिपरेशंस कर रही है, और तभी इसके दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल चलने लग जाते हैं. कुछ कुछ जो इसकी पास्ट की मेमोरीज होती हैं, जो ये मतलब उसको याद आती रहती हैं, तो इस तरीके से जैसे कि एक फिल्म देखते हैं हम, तो उस फिल्म में किसी भी तरीके की कहानी होती है उसको हम पूरा देख लेते हैं, लेकिन मूवी के एंड में हमें पता लगता है कि एक इंसान है और वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा था, ठीक है, यानी वो पूरी फिल्म जो थी वो उसके लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी. और अब वो फिल्म ख़त्म हो गई तो लास्ट में हमें पता चलता है कि वो ये सारी कहानी जो हमने देखी, ये जो मूवी देखी, ये किसी इंसान की लाइफ स्टोरी थी. तो इसी तरीके से यहाँ पर मिसेस Dalloway जो है वो अपना काम करते करते, यानी पार्टी की तैयारी करते करते, अपनी कुछ पुरानी बातें याद करने लग जाती है, और स्पेशली एक ऐसा सोल्जर है जिसका नाम है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, उसकी मृत्यु हो जाती है, एक तरीके से वो सुसाइड कर लेता है, तो इसीलिए ये उसके बारे में भी सोचती है. अब जैसे कि हमारा दिमाग काम करता है कि हम कभी कभी कुछ सोचते हैं, मान लो अगर हम सोच रहे हैं कि आज क्या खाएंगे, फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर हम सोचते हैं कि कल यहाँ जाना है, फिर हम सोचते हैं कि क्या पहनेंगे, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा मौसी ने ये कहा था, मतलब कुछ भी चीज़, यानी हमारा जो माइंड है एक तरीके से वो एक जगह पर नहीं टिकता, यानी फोकस जब हम करते हैं किसी चीज़ पर तो
उसमें मेहनत लगती है कंसंट्रेट करने में, ठीक है। तो जैसे कि माइंड हमारा एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे भागता है, वन आइडिया टू अनदर, इसी तरीके से यहाँ पे मिसेस डैलोवी जो हैं उनके माइंड के हिसाब से ये पूरी नॉवल बनाई गई है। तो इसमें जो हमारे प्लॉट है वो चेंज होंगे, ठीक है, जो भी सीन है वो शिफ्ट होते रहते हैं पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट में, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिसेस डैलोवी सोचती हैं। और ये नॉवल पढ़ते वक्त जो रीडर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में हो रही हैं, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस यानी ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इसका यही मतलब है कि जो भी चीज़ें होती हैं या फिर पास्ट में या फिर प्रेजेंट में या फिर वो जो भी सोच रही है वो सब कुछ ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में हो रहा है और ये एक जगह पे नहीं होता है। जिस तरीके से हमारा माइंड वॉक करते हैं हम हर चीज़ सोचने लग जाते हैं, एक सेकेंड में हमारे दिमाग में हज़ारों ख्याल चल जाते हैं, तो इसी तरीके से एक सेकेंड में ये काफ़ी सारी चीज़ें सोचती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पर सीन है वो शिफ्ट होता जाता है। तो कभी कभी इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि जो एक होता है ना क्लियर स्ट्रक्चर किसी भी कहानी का वो इस तरीके से नहीं है, क्योंकि ये कहानी जो है ये नॉवल है हमारे माइंड की तरह वॉक कर रही है, यानी एक जगह पे नहीं टिक रही, इधर उधर जो शिफ्ट होता है ना सीन उस तरीके से यहाँ पे सीन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। कभी वो अपने प्रेजेंट में चली जाती है, कभी वो सोचते सोचते अपने पास्ट में चली जाती है। तो आई होप कि आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब पता चल गया हो, जिसको कि इसमें हमारी वर्जीनिया वुल्फ ने यूज़ किया है क्योंकि ये एक राइटिंग स्टाइल है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी इस नॉवल की थीम को। तो सबसे पहला थीम है हमारा टाइम एंड मेमोरी, ठीक है, यानी जो भी चीज़ चल रही है अभी, जो हमारा प्रेजेंट का टाइम है और उसी प्रेजेंट टाइम में जो मिसेस डैलोवी हैं उनको अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, अपनी पास्ट की बातें। फिर दूसरे हैं मेंटल हेल्थ, यानी जो हमने देखा ना कि एक सोल्जर था सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, वो मेंटल इश्यूज से सफ़र करता है, ठीक है। फिर थर्ड हमारा थीम है आइसोलेशन एंड कनेक्शन, यानी अकेलापन और किसी के साथ हमारी जो बॉन्डिंग होती है, कनेक्टिविटी होती है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर हमारा फोर्थ थीम है आइडेंटिटी एंड सेल्फ, यानी पहचान, हमारी खुद की आइडेंटिटी। फिर हमारा फिफ्थ थीम है लाइफ एंड डेथ, यानी ज़िंदगी और मौत। तो इन सारे थीम्स को हम आगे जब समरी को डिस्कस करेंगे तो आपको वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे कैरेक्टर्स पे। तो हमारी सबसे पहली कैरेक्टर है क्लारिसा डैलोवी, जिनको कि हम इस पूरे नॉवल में किस तरीके से जान रहे हैं मिसेस डैलोवी के नाम से। सो शी इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर क्लारिसा डैलोवी, द प्रोटैगनिस्ट हु इज़ प्लानिंग अ पार्टी एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन हर लाइफ, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की, जो कि एक पार्टी को प्लान कर रही है और अपनी लाइफ के बारे में हमें कुछ चीज़ें बताती हैं, ठीक है। और जो सेकेंड कैरेक्टर है हमारा वो है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, अ वार वेटरन स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ इशूज़, जो कि एक वार वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, यानी इनको एक्सपीरियंस है, ये एक तरीके से सोल्जर हैं। जब वर्ल्ड वार वन शुरू हुआ था तो उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था, और तभी जब वो ख़त्म हो जाता है वर्ल्ड वार तो ये अपनी मेंटल इश्यूज से सफ़र करने लग जाते हैं, इनको हॉलिसिनेशन होने लग जाता है क्योंकि इनके ही जो टीममेट थे इवांस उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से ही ये मेंटली ज़्यादा सफ़र करते हैं। फिर थर्ड कैरेक्टर है हमारा रिचर्ड डैलोवी, हु इज़ क्लारिसाज हस्बैंड एंड अ पॉलिटिशियन। तो ये जो रिचर्ड डैलोवे है ये क्लारिसा के हस्बैंड है और एक पॉलिटिशियन भी हैं। फिर है सैली सेटन, हु इज़ क्लारिसाज क्लोज फ्रेंड फ्रॉम हर यूथ, हु रिप्रेजेंट्स अ मोर लिबरेटेड एंड अनकन्वेंशनल स्पिरिट। तो देखो ये जो सैली सेटन है ये क्लारिसा की बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी जब वो यंग थे, जब वो लोग यूथ थे तब के टाइम की ये इनकी क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे। सैली सेटन जो है वो क्लारिसा की फ्रेंड थी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पीटर वॉल्श, क्लारिसाज फॉर्मर लवर, who has returned from India and has complex feeling about her. तो जो पीटर है एक तरीके से वो उसका लवर भी है, लेकिन ये लोग आपस में फ्रेंड्स भी हैं, जो कि अभी काफ़ी टाइम इंडिया से रह के ये वापस लंदन में गए हैं, और ही हैज़ सम कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स अबाउट हर। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ क्लारिसाज डॉटर, जिसका नाम है एलिजाबेथ, जो कि माइनर कैरेक्टर है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेन हमारे यही है, उसके बाद जो भी इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे माइनर हैं, उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मेन हमारे यही पांच है, ठीक है, पहला कौन, मिसेस डैलोवी, फिर है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, फिर है रिचर्ड डैलोवी जो कि क्लारिसा के हस्बैंड है, फिर है सैली सेटन, पीटर वॉल्श, ये दोनों इसके फ्रेंड है क्लारिसा के।
तो अब फाइनली हम इस पूरे नॉवल की समरी को शुरू करते हैं, और इसको हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको समझेंगे। तो इसमें हम पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा सेटिंग द सीन, यानी ये जो सीन है इसकी सेटिंग किस तरीके से की गई है। द नॉवल टेक्स प्लेस इन पोस्ट वर्ल्ड वार वन लंडन, प्राइमरली ऑन अ सिंगल डे, June 13, 1923। तो ये जो नॉवल है ये सिर्फ एक दिन के अंदर ही कवर किया गया है, और वो कौन सा दिन है, 13 June 1923, ठीक है। और इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, कब की, वर्ल्ड वार वन की इन लंडन, ठीक है। और ये सिंगल डे का ही है, और कब डेट क्या है इसमें देखो 1923, लेकिन ये जो पूरी नॉवल है कब पब्लिश की गई थी, 1925 में। एंड इट ओपन्स विद क्लारिसा डेलोवे गोइंग आउट टू बाय फ्लावर्स फॉर अ पार्टी शी इज़ होस्टिंग द इवनिंग। तो देखो ये जो नॉवल है ये किस तरीके से शुरू होती है कि जो क्लारिसा डेलोवे हैं ये बाहर जा रही हैं फूल ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये आज शाम को पार्टी को होस्ट करने वाली हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये कुछ फ्लावर्स बाय करने जा रही हैं घर से बाहर, यानी बाहर वो जा रहे हैं फूल ख़रीदने, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लारिसास रिफ्लेक्शंस, यानी किस तरीके से ये अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट करती है थ्रू हर थॉट्स। एज क्लारिसा वॉक्स थ्रू द सिटी शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर लाइफ चॉइसेस, हर मैरिज टू रिचर्ड डेलोवे एंड हर पास्ट इंक्लूडिंग हर रिलेशनशिप्स विद पीटर वॉल्श एंड सैली सेटन। तो जैसे ही ये क्लारिसा फूल खरीदने बाहर जाती है तो इसके दिमाग में कुछ बातें चलने लग जाती है अपनी पास्ट के बारे में, जो जो डिसीजन इसने बनाए हैं, जो जो इसके लाइफ चॉइसेस थे, जैसे कि इसकी शादी रिचर्ड डेलोवे के साथ जो कि एक पॉलिटिशियन है, और शादी के बाद जो भी मतलब इनका पास्ट का रिलेशनशिप था पीटर के साथ और सैली के साथ, ये दोनों इसके क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो ये सारी बातें वो सोचने लग जाती है। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, यानी यहाँ देखो सीन जो है एकदम से शिफ्ट हो गया, अभी ये अपने पास्ट के बारे में जो भी इसके लाइफ चॉइसेस थी उन सब के बारे में सोच रही थी, अब अचानक से सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ठीक है। द नैरेटिव शिफ्ट्स टू सेप्टिमस, अ शेल शॉक्ड वॉज वेटरन हु इज स्ट्रगलिंग विद सिवियर मेंटल हेल्थ इशूज, ही एक्सपीरियंसिस हॉलिसिनेशन एंड फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियालिटी। तो देखो ये जो सेप्टिमस है ही सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक्ड, जो कि एक मेंटल इलनेस होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपने मेंटल हेल्थ इशूज से, और इसने हॉलिसिनेशंस को भी एक्सपीरियंस किया है, जो इसका पार्टनर था कह लो कि एक फ्रेंड था, उसकी मृत्यु हो जाती है इवांस की, तो उसके बाद से इसको हॉलिसिनेशन होने लग जाता है उसी का, एंड ही फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियालिटी, यानी इसको अब जो भी सच्चाई है, जो भी रियालिटी है, जो दुनिया है, इन सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट सा फील करता है, यानी अब उसको वो सारी चीज़ें रिलेटेबल नहीं लगती हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है इंटरट्वाइंट लाइव्स। इंटरट्वाइंट का क्या मतलब होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं संबंधित, जुड़ा हुआ, या फिर एक जैसा, एक साथ, तो इसको हम कहेंगे इंटरट्वाइंड लाइव्स। द लाइव्स ऑफ क्लारिसा एंड सेप्टिमस आर कॉन्ट्रास्टेड थ्रू आउट द नॉवल। व्हाइल क्लारिसा प्रिपेयर्स फॉर हर सोशल इवेंट, सेप्टिमस इज ग्रैपलिंग विद हिज ट्रॉमा एंड कंटेम्पलेटिंग सुसाइड। तो देखो जो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं हमारे, क्लारिसा और सेप्टिमस, तो क्लारिसा जो है एक हाई क्लास वुमेन है जो कि बड़े बड़े गैदरिंग्स को होस्ट करती है, ठीक है, और जो सेप्टिमस है वो एक वार वेटरन है, यानी वो कह सकते हैं योद्धा है, वो उसमें लड़ाई करता है, वार में शामिल होता है। तो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं और दोनों की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। एक है जो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के साथ मिलती जुलती है, रहती है, यानी अपनी लाइफ को एंजॉय करती है अगर देखा जाए तो, और दूसरा है जो कि अपने ट्रॉमा के साथ सफ़र करता है, जूझ रहा है और क्या सोच रहा है कि क्यों ना वो सुसाइड कर ले, कंटेम्पलेटिंग सुसाइड, यानी वो सोच विचार करता है कि उसके लिए सुसाइड करना ही अच्छा रहेगा, यानी सेप्टिमस के लिए। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट द पार्टी प्रिपरेशंस। क्लारिसास थॉट्स रिवील हर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स अबाउट हर आइडेंटिटी, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड द पैसेज ऑफ टाइम। शी इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट हर यूथ एंड फील्स अ सेंस ऑफ लॉस। तो देखो अभी जो क्लारिसा है वो जो भी सोच रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी वो सोच रही है वो सब हम पढ़ रहे हैं कि उसकी आइडेंटिटी, उसका जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो पैसेज ऑफ टाइम है, यानी जब वो यूथ थी तब इसके दो फ्रेंड्स थे, ठीक है, और वो दोनों ही अब इसके साथ हैं, लेकिन वैसी बॉन्डिंग नहीं है, जो पीटर था वो उसका लवर था,
ठीक है। और अभी ये क्या सोचती है कि काश मैं उसको हाँ कर देती, क्योंकि उसने उसको प्रपोज़ किया था, तो ये सोचती है कि काश मैं उसको हाँ कर देती, क्योंकि अभी जो इसकी बॉन्डिंग है इसके हस्बैंड के साथ, रिचर्ड के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है एज़ अ कपल। तो ये सोचती है कि काश उसने उसी वक्त हाँ कर दिया होता, तो यही पुरानी सारी चीज़ें ये सोच रही है कि पहले वो यूथ थी और अभी देखो उसकी एज हो गई है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो टाइम के साथ है वो बदल जाती है, तो वो सारी चीज़ें अभी ये सोचती है। फिर है हमारा 6th पॉइंट, द क्लाइमैक्स। एज द डे प्रोग्रेस सेप्टिमस डिसाइड्स टू टेक हिज ओन लाइफ बाय जंपिंग आउट ऑफ अ विंडो, विच इज पिविटल मोमेंट इन द स्टोरी। हिज डेथ इज विटनेस्ड बाय क्लारिसास फ्रेंड हु इज ऑल्सो अ डॉक्टर। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, तो सेप्टिमस जो है, और इसकी एक वाइफ भी है, ठीक है, तो सेप्टिमस की वाइफ जो है वो लोग डिस्कस करते हैं कि सेप्टिमस को एक डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो जब वो डॉक्टर सेप्टिमस को देखने आता है, तो क्योंकि इसको हॉलिसिनेशन की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसको लगता है कि जो डॉक्टर है वो इसको देखने नहीं बल्कि इसको मारने आ रहा है, तो ये डर जाता है और ये तभी अपने रूम की खिड़की से नीचे कूद जाता है और तभी इसकी जान चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी मौत हो जाती है, और ये जो पूरा मोमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल मोमेंट है इस पूरे नॉवेल का। तो इसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो डॉक्टर्स है जो क्लारिसा की पार्टी में मौजूद हैं, तो उन डॉक्टर्स के थ्रू क्लारिसा को पता लगता है कि सेप्टिमस जो है उसने सुइसाइड कर लिया है। तो उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सेप्टिमस के लिए, और तब वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक होता है ना, गहराई में सोच में चली जाती है। तो देखो यहाँ पे सेप्टिमस और क्लारिसा जो है ये दोनों आपस में दोस्त नहीं है, मतलब इनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो एक होता है ना कि जो क्लारिसा है वो बहुत ज़्यादा सोच रही है अपने ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जो भी उसने पास्ट में डिसीजंस बनाए हैं उन सब के बारे में वो सोच रही है, ठीक है। और तभी उसको ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी बुरी है, उसने क्या डिसीजन बनाया है। लेकिन तभी जब उसको पता लगता है कि सेप्टिमस ने सुसाइड कर लिया है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि सबकी ज़िंदगी कितनी अलग होती है, हर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है। सेप्टिमस था वो वार वेटरन था, यानी एक योद्धा था, वो उसमें शामिल था, सोल्जर था एक तरीके से, और तब भी उसने अपना सुसाइड कर लिया। उसको बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज थे, उस मेंटली वो सफ़र करता था। तो ये सारी चीज़ों को सोचती है वो, क्योंकि देखो एक ह्यूमन कनेक्शन होता है ना, लोगों के बीच में इमोशंस होते हैं, हम नहीं जानते हैं तब भी हमें बुरा लगता है कि अरे उसकी मृत्यु हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। तो उस तरीके का कुछ चल रहा है यहाँ पे क्लारिसा के माइंड में कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है, कभी भी कोई भी इस दुनिया से जा सकता है, ये सारी चीज़ें वो सोचने लग जाती हैं। फिर है हमारा 7th पॉइंट, द पार्टी। द नॉवल कल्मिनेट्स एट क्लारिसास पार्टी वेयर वेरियस कैरेक्टर्स गैदर। तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, सब कुछ, मतलब सब कुछ बिल्कुल सामने है जब इसके घर में पार्टी चल रही होती है इस नॉवल में, ठीक है। यानी पूरा जो नतीजा है इस नॉवल का वो पार्टी में ही सामने आता है। द एटमोसफेयर इज़ फिल्ड विद सोशल इंटरेक्शंस, बट क्लारिसा फील्स अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस अमिडस्ट द फेस्टिविटीज़। तो देखो यहाँ पे क्योंकि पार्टी चल रही है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सोशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, यानी सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा मतलब हलचल है। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में भी एक तरीके से कहा जाए तो क्लारिसा जो है वो एम्प्टीनेस फील करती है, यानी अकेलापन सा महसूस करती है ऐसे माहौल में भी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन बनाए हैं पास्ट लाइफ में, और उसकी वजह से वो अभी खुश नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जब सेप्टिमस की बात आती है, तो उसको ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, कोई भी इंसान कभी भी जा सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 8th पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड डेथ। आफ्टर लर्निंग अबाउट सेप्टिमस डेथ, क्लारिसा रिफ्लेक्ट्स ऑन द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ एंड इम्पैक्ट ऑफ हिज चॉइस। शी फील्स अ कनेक्शन टू हिम, रियलाइजिंग द शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग। तो देखो जब उसको पता चलता है कि सेप्टिमस की मृत्यु हो चुकी है, उसने सुसाइड कर लिया है, तब उसको पता लगता है लाइफ और डेथ के बारे में कि ज़िंदगी जो है वो कितनी ज़्यादा नाजुक है। और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद वो एक कनेक्शन सा फील करती है सेप्टिमस के साथ, मतलब किस तरीके से जो ह्यूमन है वो सफ़र करते हैं, क्योंकि एक तरीके से सफ़र वो भी कर रही हैं, जो भी उन्होंने डिसीजन बनाया वो पछता रही हैं, वो सैड हैं, और वो मतलब जो भी लोग हैं पार्टी में उनके साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, उनको अकेला सा महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन के सफरिंग्स होते हैं हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं, क्योंकि जो हम क्योंकि हम सारे ह्यूमंस हैं, तो हम सबको कैसा दुख होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो इसी तरीके से ये भी सेप्टिमस के मृत्यु के बाद उसके पेन को एक तरीके से महसूस कर सकती हैं। अब हमारा 9th पॉइंट है कंक्लूजन इस पूरे नॉवेल का। द स्टोरी एंड्स विद क्लारिसा कंटेम्पलेटिंग हर ओन एग्जिस्टेंस, द चॉइस शी हैज़ मेड एंड द नेचर ऑफ हैप्पीनेस।
तो देखो लास्ट में क्या होता है कि क्लैरिसा अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने लग जाती है और जो भी चॉइसेस उसने बनाए हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें उसने चुनी है उसके बारे में, एंड द नेचर ऑफ हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के बारे में सोचती है, खुशी के बारे में सोचती है। एंड शी एम्ब्रेजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एक्नॉलेजिंग बोथ जॉय एंड सॉरो। तो अब लास्ट में इसको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती ही हैं, मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में होती हैं, और उस वक्त ये इन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, खुशी को भी और दुख को भी। ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें होती हैं, जॉय भी एंड सॉरो भी। एंड दिस स्ट्रक्चर कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द नॉवल, हाईलाइटिंग द थीम्स ऑफ टाइम, मेमोरी, मेंटल हेल्थ एंड द सर्च फॉर आइडेंटिटी। तो ये सारे थीम्स हैं हमारे इस नॉवल के, क्या क्या, टाइम, मेमोरी, मेंटल हेल्थ एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये सारे हमारे इस नॉवल के थीम्स हैं। तो इसी के साथ हमारी पूरी ये नॉवल एंड होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी नॉवल अच्छे से समझ में आ गई हो। इसको हमने बहुत शॉर्ट में, इजी लैंग्वेज में समझा है, तो आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गई हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट। एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग।